म्याना में सुरड समाज व समाज सेवी ने वाल्मीकि मेहतर समाज की बारात का स्वागत कर दिया एकता का संदेश। म्याना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर म्याना में सुरड समाज व समाज सेवियों ने एक सनातन धर्म की मिसाल पेश की है, जो एक सराहनीय कार्य है। रिंकू देवलिया, उपाध्यक्ष ब्राह्मण समाज म्याना, ने बताया कि हमारे ग्राम म्याना में राम बाबू वाल्मीकि की बारात आई हुई थी। उसकी दोनों लड़कियों की शादी एक साथ थी, जिससे समाज सेवी रिंकू देवलिया ने सोचा कि गाँव की बारात है, हम सभी एक सनातन धर्म के लोग हैं, हमें बारात का स्वागत करना चाहिए। इसलिए हमने स्वागत रखा, साथ ही दूल्हे को भी साल व श्रीफल भेंट किया। रिंकू देवलिया बताते हैं कि समाज में छुआछूत ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के लिए ये पहला कदम है। हम सभी सनातनी, हमें एकता को बनाकर रहना चाहिए। सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल से गुना से की खास रिपोर्ट। कल स्वागत रखा, वो किस उद्देश्य को लेकर का सर? उसका उद्देश्य सिर्फ दो उद्देश्य है। सबसे पहले कि हमारी जो राम बाबू वाल्मीकि की बच्चियां हैं, तो हमारे गांव की बच्चियां हैं, उनको उनका अधिकार देना था, जिससे हमने बारात का स्वागत करके उनको उनका सम्मान दिया है। दूसरा उद्देश्य हमारे हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए संदेश था कि जो ऊंच नीच और जाति पाति को जो समझते हैं, हमने उसको दूर करने के लिए किया है कि हम सब सनातनी हैं, भगवान के बच्चे हैं, सब शांति से रहें, एक होकर रहें, बस यही उद्देश्य था। आपका परिचय? मैं रिंकू देवलिया, मैं समाज उपाध्यक्ष, समाज सेवा में तत्पर रहता हूँ। धन्यवाद।